हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम वीडियो के साथ। तो आज हम बना रहे हैं कैल्शियम ब्लॉक। तो कैल्शियम ब्लॉक में क्या क्या डालेंगे हम वो दिखाते हैं आपको। ये विमरल सीरप था और उसके बाद में ये ऑस्टोबीट कैल्शियम है जो कि जानवरों को यूज होता है। तो इसके अंदर मैं कैल्शियम ब्लॉक के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं डालूँगा, खाली कैल्शियम ब्लॉक के अंदर हम कैल्शियम का सीरप डालेंगे, तो मल्टीविटामिन डालेंगे और पीओपी डालेंगे। 1 किलो पीओपी ले ली मैंने और लेंटर वाला तार है, ये बाल्टी है इसमें घोलेंगे और पानी की बोतल है हमारे पास ये। तो पानी में डाल के हम इसको घोल लेते हैं अच्छे तरीके से। और जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जाकर लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो हम अच्छी तरीके से घोल लेते हैं इसको और घोलने के बाद में हम जमाते हैं इसे। और ना ज़्यादा पतला करना है आपको, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। और जो मैं विमरल सिरप और कैल्शियम ब्लॉक दिखा रहा था आपको, तो हम बता देते हैं इसकी क्वांटिटी आपको कितना डालना है। ये मैंने 1 किलो पीओपी ली है और आपने बट्स के हिसाब से ले सकते हैं आप। तो मैं 5 ml ले रहा हूँ ये। इसके अंदर 5 ml हम कैल्शियम का लेंगे सिरप और 5 ml हमने मल्टी विटामिन लिया है। और 12 कैल्शियम ब्लॉक बनाऊँगा इसके अंदर। 12 गिलास रखे हुए हैं मेरे पास डिस्पोजल वाले। और डिस्पोजल के गिलास बहुत बढ़िया रहते हैं कागज़ वाले ही, प्लास्टिक वाले जो होते हैं वो फट जाते हैं और ये हमारे दोबारा यूज में आ जाएंगे तो बेस्ट नहीं होंगे ये। तो ये हमने ये भी डाल लिया है और इसको डाल के हम हिला लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए इसके अंदर दवाई जो हमने डाली है। और इसको डालने के बाद में फिर हम जमा देते हैं इसे गिलास में। और जमाने के बाद में हम सेंटिंग वाला तार भी लगाएंगे इसमें, जो लेंटर वाला तार दिखा था उसे भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करने हैं और कैसे लगाना है। तो अच्छे तरीके से हिला लिया है मैंने, अच्छा खासा गाढ़ा है ये, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। और ज़्यादा पतला तो करना ही नहीं है आपको, हल्का फुल्का गाढ़ा चल जाएगा मगर पतला नहीं चलेगा। तो ये लेंटर वाला तार ले लिया मैंने, ये देख सकते हो। इसको मोड़ लेते हैं अच्छे तरीके से हम, ताकि ये हमारे बाद में काम आएगा। अभी जमा देंगे इसे, उसके बाद में ये तार हमारे बांधने का काम आएगा। कॉलोनी में हमें कहीं पे भी लगाना होगा तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं कॉलोनी के केजिस में या कॉलोनी में, आपके पास जो भी हो, कॉलोनी हो केज हो। उसके अंदर प्रॉपर डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। देख सकते हो गिलास ना भरेगा ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ओवरलोड। तो अच्छी तरीके से डालना है, आपको ओवरलोड हो जाएगा फिर हाथ सनेंगे आपके। तो ये हम बीच में तार लगा देते हैं इसके, ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। जब आप नए नए बनाओ कैल्शियम ब्लॉक तभी हमें लगाना है ऊपर से तार ही, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर नहीं लगाओगे आप इसके अंदर, बहुत से लोग धागा लगा देते हैं, डोरी लगा देते हैं, वो जरूरी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती क्योंकि उसे काट देते हैं बट्स। ये लोहे का तार होता है, इसे काटते नहीं हैं। और अब मैं आ गया हूँ ऊपर ले कर इनको छत पर अपने धूप में सुखाने। ट्रे में रख दिए मैंने, सब सूख जाएंगे। एक दिन की धूप लगाएंगे पूरी हम, अगले दिन हम इसको लगाएंगे कैल्शियम को अपनी कॉलोनी में। नई कॉलोनी बनाई है मैंने, तो नए बर्ड्स छोड़े हैं तो नए कैल्शियम ब्लॉक लगाए। पुराने वाले जो थे वो खारे ख़त्म हो गए थे, पुराने कॉलोनी में जो थे मैंने पुरानी कॉलोनी के साथ ही साथ फेंक दिए मैंने वो। तो ये ऊपर हमने छोटे से पेड़ पौधे लगा रखे हैं थोड़े से, ये भी देख सकते हो आप। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, मैं इनको ले आया हूँ ऊपर से धूप में से। और इनको निकालने का ईजी तरीका भी दिखा दूँगा मैं आपको, क्यों अच्छे लगते हैं मुझे गिलास ही, क्योंकि इन्हें फटते नहीं हैं ये, हमारे आराम से घुमा के निकाल सकते हैं, हाथ घुमा के हम इसको निकाल देंगे अभी। तो इसको साथ वीडियो को देखते रहें आप, अभी मैं कैसे निकालूंगा इसको। बहुत आसान है इसको निकालना, अगर ज़्यादा हार्ड हो तो थोड़ा घुमाना है इसे और आराम से ये ऊपर को उठा देना है। ये निकल गया, देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग आई है इसके अंदर, कितना अच्छा बना है, जमा है। और अभी ये थोड़े नरम है तो मैं इसीलिए लगा दूंगा इनको, क्योंकि थोड़े नरम होंगे तो आराम से खा लेंगे ये। और फिर कुछ दिन बाद ये हार्ड हो जाते हैं लगे लगे खुद ही, अभी तो रंग इनका काला है तो कुछ दिन बाद ही सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि पीओपी सूखने के बाद में सफ़ेद हो जाती है। और पीओपी से बहुत से लोग भाई लोग कहते होंगे हमारे के नुकसान होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है इससे। ये भी एक मिट्टी है एक तरह की, और ये लब्बड़ की कॉलोनी है हमारी, और ये हमारी बजरी कॉलोनी के हैं 4 कैल्शियम ब्लॉक। तो 4-4 लगाने हैं मुझे, 4 लब्बड़ की कॉलोनी में और 4 हम लगाएंगे बजीस की कॉलोनी में। बाकी 2 पिंजरे हैं मेरे पास जो कॉकटेल के, उसमें तो लगे हुए हैं ही, उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लगाते हैं स्टिक पे, और लगाना कहाँ पे आपको, जहाँ पे ये बैठते हैं ज़्यादा का स्टिक वगैरह पे वहीं लगाना, जाली वाली पे नहीं लगाना क्योंकि जाली पे ज़्यादा बैठते नहीं है ये, और जहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं वहीं पे खाते हैं आराम से बैठ के ये। और जब भी इन्हें ज़रूरत होगी तो ये खा लेंगे इसे, और इस पर अपनी चोंच भी रगड़ लेते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है, इनकी चोंच वगैरह बढ़ती नहीं है कैल्शियम से, और कैल्शियम की कमी से इनके ना नाखून बढ़ेंगे ना चोंच बढ़ेगी। और ये हमने हुक वगैरह भी लगा दिए हैं क्योंकि ब्रीड की तैयारी है अब, तो ब्रीड की तैयारी से पहले पहले हमें सब काम रेडी करके रखना है कॉलोनी में और केजिस में अपने। तो हमने कॉलोनी के अंदर आ गए हैं, कॉलोनी के अंदर आते ही ये डरने लगे हैं सब लब्बड़ मेरे। तो हम
यही थी आज की वीडियो। अब हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, चैनल को देखते रहें, थैंक यू दोस्तों।